हेलो बच्चों, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों कि पार्टिकल या लाइट, अगर लाइट की बात करें तो वेव नेचर भी शो करता है और ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। लाइट की बात करें अगर हम, तो ड्यूअल नेचर का मतलब ये हुआ कि दो नेचर शो करना, पार्टिकल और वेव। तो लाइट ड्यूअल नेचर होता है, मैटर भी ड्यूअल नेचर करता है, डी ब्रोगली ने बताया है। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर से मैंने एक काम और किया है बच्चों कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर साइड में नोट्स के फॉर्म में लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे हर जगह लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, और सारी को सबको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आप इजीली अपना नोट्स भी अगर प्रिपेयर करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो देखिए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे आएंगे कि यहाँ पर ये चैप्टर में हुआ क्या था, क्या क्या डिस्कवरी हुई थी, ये सब चीज़ें समझेंगे। द मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ज एक्सपेरिमेंट ऑन द जेनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन 1887, है ना, 1887 में जब मैक्सवेल ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, और हर्ट्ज ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कैसे डिटेक्ट करें या कैसे जनरेट करें। बट इन ये सब कब हुआ था, 1887 में, स्ट्रांगली इस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट से ही वेव नेचर यहाँ पर प्रूव हुआ था। ठीक, आप देखिए, towards the same period at the end of 19th century experimental investigations on the conduction of electricity, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब लेड टू मैनी हिस्टोरिक डिस्कवरीज। जैसे कि मतलब ये जो दौर था ना बच्चों, ये जो दौर था मतलब 1870 से लेकर के 1915 तक, इस पूरे काल में, इस पूरे समय में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी। आपको ना पूरे इस इंट्रोडक्शन में दिखेगा, है ना, सब जगह लिखा हुआ, दिखाऊंगा आपको मैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब यहाँ पे खोज शुरू हुई जब 19th सेंचुरी में, तो उसी वक्त पे यहाँ पर एक्सरे का भी डिस्कवरी हुआ था 1895 में। ठीक है, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ, तो एक्सरे का भी डिस्कवरी हुआ था 1895 में। फिर उसके 2 साल बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, जिसको जे जे थॉम्सन ने डिस्कवरी किया था 1897 में। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना बहुत बड़े मतलब माइलस्टोन था, मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरा समझने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को पूरा समझने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मतलब हुआ था ये डिस्कवरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होने के बाद ही करंट आप अच्छे से समझ पाते, सीख पाते, जो हम आज पढ़ते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही अच्छे से मतलब एक्सप्लेन हो पाया था, बाकी करंट का डिस्कवरी बहुत पहले हो गया था। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट एट सफिशेंटली लो प्रेशर ऑफ अबाउट 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी कलम अ डिस्चार्ज टूक प्लेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड और एनोड होता है एक्चुअली में। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें इतना मर्क्यूरी कॉलम का इतना प्रेशर मेंटेन करके, ठीक है, तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है, मतलब तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अ फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर्ड ऑन द ग्लास अपोजिट टू द कैथोड, क्योंकि 2 टाइप का यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो होता क्या है ना कि यहाँ पर ये डिस्कवरी हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, अब कैसे निकलता है समझाऊंगा, और यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा तो एक स्पार्क जनरेट होगा, तो जो स्पार्क जनरेट होगा तो वही लिखा गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि अ फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर्ड ऑन द ग्लास अपोजिट टू द कैथोड, मतलब टू कैथोड, कैथोड के अपोजिट में एक यहाँ पर ग्लो क्रिएट अपीयर होता है। ठीक है, द कलर ऑफ ग्लो ऑफ द ग्लास डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ग्लास, ये येलोइश ग्रीन होता है सोडा ग्लास के लिए,
है ना, सोडा ग्लास के लिए देखो मतलब किस टाइप का ग्लो होगा, कौन सा कलर का यहाँ पर ग्लो होगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि हम ग्लास कैसा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी का मैंने नोट्स यहाँ पर देखो लिख रखा है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किन्होंने किया, तो जे जे थॉम्सन ने किया। डिस्चार्ज ट्यूब जो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में कब होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच में। ग्लो अपीयर्ड ऑन द ग्लास अपोजिट टू द कैथोड, ठीक है, मतलब कौन से ग्लास पे होगा, तो ये कैथोड के ग्लास पे नहीं होगा, जैसे इधर कैथोड हो गया और इधर एनोड हो गया, तो एनोड वाले ग्लास पे होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ के स्ट्राइक करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, ये आपको समझाऊंगा अभी आगे वाले आगे जो टॉपिक्स हैं उनमें। द कलर ऑफ ग्लो ऑफ द ग्लास डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ ग्लास, ठीक है, जैसे सोडा ग्लास के लिए क्या होता है, येलोइस ग्रीन होता है। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए डिस्चार्ज ट्यूब के लिए, तो यहाँ पे अलग से लिखा है मैंने, देखिए वहाँ से निकाल करके कि 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम का इतना प्रेशर अपने को चाहिए होता है। ठीक है, द कॉज ऑफ, अब देखिए द कॉज ऑफ दिस फ्लोरेसेंस वॉज एट्रीब्यूटेड टू द रेडिएशन विच अपीयर्ड टू बी कमिंग फ्रॉम कैथोड, है ना। अब यहाँ पर कैथोड रेज का भी, क्योंकि कैथोड से निकला था, कैथोड जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला, तो अब उसको बोल दिया कैथोड रेज। तो आप देखिए यहाँ पर दिस कैथोड रेज वेयर डिस्कवर्ड इन 1870 में डिस्कवरी होता किसका, ये कैथोड रेज का जो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू मिल रहा है, किन्होंने किया था, विलियम क्रूक्स ने किया था, हु लेटर इन 1879 सजेस्टेड दैट दिस रेज कंसीडर्ड ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जबकि 1879 में, तो 1870 में यहाँ डिस्कवरी हो गया कैथोड रेज का, और 79 में, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, 1870 से लेकर के और 1915 तक ये बहुत ही शानदार ईयर्स थे जिनमें बहुत सारे डिस्कवरीज हुई थी। तो देखिए 1870 में कैथोड रेज का हो गया, फिर 79 में उसी को सजेस्ट करके बोला गया कि दिस रेज कंसीडर्ड ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और फिर जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जे जे थॉम्सन, उन्होंने क्या किया, ये कन्फर्म कर दिया था, मतलब है ना, मतलब विलियम क्रूक्स ने बोला कैथोड रेज है, इन्होंने बोल दिया कि ठीक है ये फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का स्ट्रीम है कैथोड रेज को। और फिर इन्होंने ही क्या बोला था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन है। ओके, बाई, देखो आप आगे पढ़िए, बाई अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब, जे जे थॉम्सन वॉज द फर्स्ट टू डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटली द स्पीड द एक मिनट एक्सपेरिमेंटली द स्पीड एंड द स्पेसिफिक एंड द स्पेसिफिक एक सेकेंड बच्चों एंड द स्पेसिफिक चार्ज। अब ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ना, देखो जे जे थॉम्सन ने क्या किया यहाँ पर, तो जे जे थॉम्सन ने यहाँ पर ई बाई एम का फाइंड किया था वैल्यू। ठीक है, तो जे जे थॉम्सन मतलब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया और बताया कि स्पीड कितना होगा। ठीक है, किसका स्पीड, कैथोड रेज का, तो कैथोड रेज के स्पीड के बारे में इन्होंने बोला। एंड कैथोड रेज का जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है बच्चों चार्ज अपॉन मास का रेशियो, ये जो चार्ज अपॉन मास का रेशियो होता है ना उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो इन्होंने ही पूरा इसके बारे में बताया, इन्होंने बोला कि कैथोड रेज के बारे में कि दे वेयर फाउंड टू ट्रैवल विद स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0.1 टू 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, 0.1 से 0.2 के टाइम्स के बीच में स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, जे जे थॉम्सन ने बोला था। ओके, और फिर इन्होंने ही ये जो वैल्यू है ना ई बाई एम उसको कैलकुलेट किया और बोला कि ये वैल्यू कितना होगा, 1.76 इंटू 10^11 कूलम पर केजी। ठीक है, देखिए जे जे थॉम्सन फाउंड ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज एंड स्पीड रेंजिंग ऑफ कैथोड रेज कितना होता है, 0.1 to 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और कितना होता है ई बाई एम का रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैथोड रेज के लिए, याद जरूर रखिएगा, इसके मैंने अलग से लिखा है इसको, 1.76 इंटू 10^11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये यहाँ पर ई बाई एम का रेशियो हो गया। द वैल्यू ऑफ ई बाई एम वॉज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल,
यूज्ड एज कैथोड, मतलब जिसको एमिटर बोल रहे हैं हम लोग, और द गैस इंट्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, जो आपने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, तो इसके अंदर आपने ट्यूब के अंदर कुछ गैस भी रखा है, तो यहाँ से जो कैथोड रेज निकल रहे हैं ना, तो कैथोड रेज ये इस प्लेट का, मतलब इस मेटल का या इस प्लेट का नेचर क्या है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं, मतलब कैथोड रेज इसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। और इस ट्यूब के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर कौन सा गैस रखें आप, उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वही लिखा गया कि मेटल यूज एज कैथोड रेज उससे इंडिपेंडेंट होता है उसके नेचर से, और गैस से भी इंडिपेंडेंट होता है। अराउंड द सेम टाइम इन 1887 इट वॉज फाउंड दैट सर्टेन मेटल्स वेन इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। ये भी फाइंड किया गया 1887 में कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनको हम यूवी रेज में एक्सपोज करते हैं, है ना, जब यूवी रेज हम रेडिएट करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करते हैं जिनका स्पीड बहुत कम होता है, है ना। एमिटेड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग स्मॉल स्पीड्स, ऑल्सो सर्टन मेटल्स व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर वे आर फाउंड टू एमिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनको हम हाई टेम्परेचर पर अगर हीट करें तो वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, ठीक है। फिर उनका भी वैल्यू कैलकुलेट किया गया E/m का। द वैल्यू ऑफ E/m ऑफ दिस पार्टिकल्स वॉज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ कैथोड रे पार्टिकल। मतलब यहाँ पर जब हम यूवी रेज में एक्सपोज कर रहे हैं किसी मेटल को, तब देख रहे हैं क्या रहे हैं? कि मान लीजिए यहाँ पे अपने पास मेटल है और इस मेटल पे बहुत सारे लाइट आप गिरा रहे हैं, तो देखा गया कि यहाँ से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। फिर देखा गया कि अगर उसी मेटल को हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं फिर यहाँ से और कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे तब भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, टेम्परेचर राइज करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों, ठीक है। फिर उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया और उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का भी स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया, दैट इज चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला गया, तो वो कैथोड रेज के बराबर ही आया था, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशंस दस एस्टैब्लिश दैट ऑल दिस पार्टिकल्स ऑल द प्रोड्यूस्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस वेयर आइडेंटिकल इन नेचर। बोला गया कि हम चाहे कैथोड और एनोड, दो इलेक्ट्रोड लगा के हम कैथोड रेज निकाल रहे हैं, चाहे हम लाइट इंसिडेंट करा के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, या फिर हम टेम्परेचर राइज करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हैं इस मेटल सरफेस से, सभी का नेचर क्या आ रहा है? सभी चार्ज का सेम आ रहा है, ये बोला था उन्होंने, ठीक है। जे जे थॉम्सन इन 1897 नेम्ड दिस पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन। देखो जे जे थॉम्सन इन 1897 नेम्ड दिस पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन एंड सजेस्टेड दैट दे वेयर फंडामेंटल। फिर उन्होंने सजेस्ट किया था कि दे वेयर फंडामेंटल यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स फॉर दिस, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेज ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज। इनको लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, बट कब मिला था बच्चों? तो नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। इन 1913 ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे आर ए मिलिकन, ठीक है, जिन्होंने 1913 में एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उस जब उन्होंने पूरा किया था ना, तो इनको एक मिला था क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको मैंने पढ़ाया था कि चार्ज क्वांटाइज होता है, मतलब अपने बेसिक जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन, उसके इंटीजर मल्टीपल में सारा चार्ज होता है। तो ये आर ए मिलिकन ने दिया था और ये 1913 में हुआ था, ठीक है। चार्ज इन्होंने क्या फाइंड किया, देखिए, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप वाज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उस पर ये एस्टेब्लिश हुआ था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और इसलिए हम इसका E/m का भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इस पूरे स्टेटमेंट्स जो हम लोगों ने अभी समझा है और बच्चों पढ़ा है, ठीक है, उससे क्या मतलब यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है, देखिए कि E/m जो है ना,
जो रेशियो, जो चार्ज अपॉन मास का रेशियो है, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोल रहे हैं, कैथोड रेज का और नेगेटिवली चार्ज का, दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि कैथोड रेज स्ट्रीम ऑफ, कैथोड रेज स्ट्रीम ऑफ मतलब स्ट्रीम या बीम बोलो, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और जो मेटल सरफेस से यूवी लाइट इंसिडेंट कराने की वजह से निकल रहा था, तो जो यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जो टेम्परेचर राइज करने की वजह से निकल रहे थे यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1897 में उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। फिर आर ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया 1913 में। ठीक है, और इन्होंने उसे क्या बताया, इन्होंने बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, मतलब चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में ऑलवेज होगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, मतलब चार्ज जो यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन है, उसके हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो इस पूरे इंट्रोडक्शन में बच्चों क्या समझ में आया अपने को, तो इस पूरे इंट्रोडक्शन में इतना ही समझ में आया कि आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे, चाहे टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फील्ड देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, आपको ऑलवेज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से एमिट होगा, दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है पूरे कंप्लीट इस इंट्रोडक्शन में। और इस इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी देखने को मिले कि कब किसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, और कौन डिस्कवरी किया था ये भी। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन एमिशन जो हम बार बार देख रहे थे ना, अब उसको स्पेशली यहाँ पर हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे 11.2 में कि इलेक्ट्रॉन एमिशन। वी नो दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी। However, the free electrons cannot normally escape out from escape out of the metal surface. देखिए, metals में free तो होते हैं, मतलब free electrons होते हैं, but free electrons कहाँ होते हैं, वो metal surface के अंदर ही होते हैं, वो metal surface से बाहर नहीं निकल सकते हैं normal case में। अगर आपको बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, energy देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा वो आपको यहाँ समझाऊँगा। If an electron attempts to come out of the metal surface acquires a positive charge and pulls the electron back to the metal. The free electron, अब जो free electron समझाऊंगा आपको, पहले यहाँ पर आपको ना पूरा मैं समझा देता हूँ कि ये क्या स्टेटमेंट है जो बोला गया, ये बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल सर्फेस है, ओके, तो इस मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये जो मेटल है ये तो अभी न्यूट्रल है, क्योंकि जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उतने इसमें प्रोटॉन भी होंगे, बट उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, है ना, प्रोटॉन को शो नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये मान लिया मैंने कि ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री हैं बट सर्फेस के अंदर घूमने के लिए फ्री हैं, सर्फेस से बाहर निकलने के लिए फ्री नहीं है, ओके। सो अब यहाँ पर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जस्ट आप सोचिए कि मेरे पास एक मेटल है, मैं बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, मैं बोलूँगा ठीक है एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा बच्चों, तो फिर यहाँ पर टोटल क्या बचेगा, देखिए एक मिनट, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर 10 प्रोटॉन बचेगा और 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज़्यादा हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, तो इसका मतलब कि बॉडी कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज गया, तो बॉडी कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो वही सेम चीज़ आप यहाँ सोचिए कि अगर एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटेम्प्ट लेगा बाहर निकलने की, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आयन बनेगा तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बाहर जा रहा था, उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के इसको अंदर फिर से पुल कर लेगा। तो अंदर फिर से जब ये पुल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि जब भी अटेम्प्ट करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से वो पुल बैक करके मेटल वापस लेके आ जाएगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन इज दस हेल्ड इन साइड द मेटल सर्फेस बाई द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ आयन्स, कंसिक्वेंटली द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट ऑफ द मेटल सर्फेस ओनली बाई ओनली इफ इट हैज़ गॉट सफिशियंट एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव पुल। मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर अट्रैक्टिव पुल जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर,
इसको अगर ओवरकम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को इतना सफिशियंट एनर्जी देना पड़ेगा जिससे कि वो मेटल सरफेस से बाहर निकल सके, ठीक है। और उस मिनिमम एनर्जी को देखिए हम क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हर मेटल के लिए अलग अलग होगा, तो अगर जो ये मिनिमम एनर्जी हम सप्लाई करेंगे ना, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं हम लोग यहाँ से कि वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सर्फेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये जो मिनिमम एनर्जी हम दे रहे हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, ओके, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं हम लोग। अब ये सभी सर्फेस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई फाई नॉट, इसको हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को। और किस में मेजर होता है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजरमेंट इसका होता है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी गेंड बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज़ बीन एक्सेलरेटेड बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट, ठीक है। अब एक्चुअली में होता है क्या, एनर्जी बहुत कम होता है ना, जैसे देखो जूल में है ना ये, ठीक है, तो कितना 10^-19 है, तो इसलिए इसको मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि पहला पॉइंट कि जो मिनिमम एनर्जी हम देंगे ना किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, और ये एनर्जी को हम डिनोट करते हैं फाइन आउट से, ठीक है, और लेते किस में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, ठीक है। अब ये जो है ना, जो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कॉमनली कहाँ यूज़ होता है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ होता है। एंड जो वर्क फंक्शन है बच्चों, ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा और मेटल के प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड करेगा, बाकी और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कैसा मेटल है उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो उसमें फ्री है पहले से, बस थोड़ा सा एनर्जी तो बाहर निकल जाएगा। बट नॉन कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, तो पहले तो आपको उसको फ्री करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तब ना बाहर निकलेगा, ठीक है। तो नेचर पर डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीन टाइप का, अब हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है मेटल सरफेस से, तो उसके लिए कुछ मिनिमम एनर्जी देना पड़ रहा है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, वो कौन से प्रोसेस से देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके टोटल थ्री प्रोसेसेस होते हैं बच्चों। पहला प्रोसेस होता है थर्मो आयनिक एमिशन, जिसमें तो होता क्या है कि थर्मो आयनिक एमिशन में कि जो मेटल सर्फेस है ना, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन तो है अपने पास, बट यहाँ पर इसको हीट करना पड़ता है, दैट इज़ गर्म करना पड़ता है, तो टेम्परेचर उसके लिए हम क्या करते हैं, राइज करते रहेंगे। तो जब एक सफिशियंट टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इसको जितना एनर्जी चाहिए होगा, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि इस मेटल सरफेस को आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दे दो मिनिमम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका टेम्परेचर इतना राइज करना पड़ेगा जिससे कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिल जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिलते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर देखिए, तो सेकेंड जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एमिशन का, वो है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है कि अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, अगर हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ऐसा क्या होता है, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास मेटल सर्फेस है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकालना है अपने को, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या करें आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही हाई दे दीजिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड हाई का मतलब हुआ कि 10^8 के ऑर्डर में होना चाहिए, इतना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो जब इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, आपने फील्ड इधर दिया तो इलेक्ट्रॉन फोर्स इधर लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर इतना देंगे, अगर आप इतना देंगे, तो ये फोर्स लग के जो पहले से एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था ना, जो दिखाया था आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था ये वाला, इसको ओवरकम कर देगा और ओवरकम करके बाहर निकल जाएगा। तो हम फील्ड के हेल्प से भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ फील्ड हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, तो फील्ड एमिशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बट आपने को मेनली जो पढ़ना है ना, वो थर्ड वाला पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो जो एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, बट रेसिप्रोकल में डिपेंड करता है एनर्जी, ठीक है, लाइट का एनर्जी। तो अगर हम लोग यहाँ वही बोला गया कि इफ़ या व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सर्फेस, मतलब इंसिडेंट कराए अगर हम, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस, दिस फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
मतलब आप सफिशियंट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करा दीजिए, आप जैसे सफिशियंट लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे हो गया ये, तो आप यहाँ पर, क्योंकि लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट के पास तो एनर्जी होता है। तो मान लो मैं बोलूँ कि इस मेटल सर्फेस को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मिनिमम एनर्जी निकालने के, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, तो आप क्या करें, आपने बोला ठीक है मैं लाइट से दे देता हूँ। अब लाइट क्या होगा, यहाँ पर आएगा इंसिडेंट करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना शुरू हो जाएगा। तो लाइट के इंसिडेंट करा के भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी पूरे फोटो इलेक्ट्रिक जो इमेशन है ना, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक इसी पे बेस्ड है, इसी चीज़ पे पूरा कम्प्लीटली बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, वो अगले लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगले लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ना, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें और चैनल भी मेरा ग्रो हो सके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू गाइज़।